नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रितु यमदे। तो मैं आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है, इसकी सारे डिटेल्स आपको दूंगी। और कैसे ये प्रिपरेशन किया जाए, कौन से क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं, और कौन सी एग्ज़ाम है, किस तरह फॉर्म भरा जाता है, कब उसकी वेबसाइट कहाँ है, ये सारी डिटेल्स आपको दूंगी। और कौन सी जो भी एग्ज़ामिनेशन है, जैसे एम्स है, DHS है, DMER है, सारे एग्जाम्स के पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, पेपर पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आपको सॉल्व करना है, और ये सारी डिटेल्स आपको दूंगी। उसके साथ साथ क्वेश्चन जो भी हो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, वो आंसर कैसे आया, वो आंसर कैसे निकला, उसका पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। और मैं आपको प्रिपेयर करना चाहती हूँ आगे की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए। मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम किस तरह कन्फ्यूज़ होते हैं, जिस तरीके से मैं कन्फ्यूज़ होती थी, मेरे साथ जो हुआ है दोस्तों, मैं आज वो बच्चों मैं आपको वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ कौन सी स्टेप आती है जहाँ हम लड़खड़ा जाते हैं, 2 या 3 मार्क के लिए हम लोग रह जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे फॉल्ट आपके मैं पूरी कंप्लीट तरह प्रिपरेशन करके दूंगी। आपके किस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप किस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत हार्ड लग रहा है, कौन सी चीज़ आपको समझने में ईजी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ईजी तरीके से करके आपको सिखाऊंगी, आपका पूरा प्रिपरेशन करूंगी। और सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्रैक कर सकते हो, पूरा पूरे अच्छी कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ सकते हो, आपका मन भी लगेगा, इस इंटरेस्टिंग तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और देखिए आप मैं अभी क्या क्या, तो चलो देखते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा चैनल का नाम है सार्विज रिफ्लेक्शन। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाली हूँ विथ डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन, पूरे सारे एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ। उसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मोर वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगी, कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, किसके लिंक भेजना है, मैं आपको सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजते जाऊँगी। तो आज से मेरा ये चैनल स्टार्ट हो गया है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। तो आप प्लीज़ इसके फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आज से ही आपको क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स, हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कौन से फैक्ट्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मसल्स बोन से बना है और ब्लड वेसल्स से बना है। तो मसल्स में, इसमें सबसे पहले हम लेंगे बोन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ बोन हमारे बॉडी में 206 है। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, ज़्यादातर ये मोस्ट क्वेश्चन आया है और सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और ये बेसिक थिंग्स है, लेकिन बेसिक थिंग्स हमको याद रहनी चाहिए। और रिव्यू के लिए मैं एक बार आपको ये, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हम देख रहे हैं 206 है। तो इन्फेंट में जो है, न्यू बॉर्न में नियर बाय कितने रहते हैं, 300 के ऊपर रहते हैं। तो बोन क्या है, बोन का न्यूबॉर्न में नियर बाय 300 बोन्स रहते हैं। और ये जो है, न्यूबॉर्न्स में मोल्डिंग बोन्स होते हैं, ये बाद में जब बड़े होते हैं, इन्फेंट होते हैं, 1 साल के बाद धीरे धीरे 206 बोन उसमें अडप्ट होते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं मसल्स के बारे में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 है। ये सेम सिक्स एंड मसल्स टिश्यू से बनते हैं, वेसल्स टिश्यू। तो मसल क्या है, सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन से बने हैं, सॉफ्ट टिश्यू से बने हैं। मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं, इट इज सॉफ्ट टिश्यू है मसल्स, ये प्रोटेक्टेड करता है ऑर्गन को, और इसके साथ साथ हेल्प करता है मूवमेंट को, बॉडी मूवमेंट के लिए भी मसल्स हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी कवरिंग के लिए, जो कि हमें स्किन में इसका डेवलप, हाँ, स्किन में डेवलप होता है मसल्स। तो अभी हम देखने वाले हैं ग्लैंड तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड भी एक मास्टर ग्लैंड जो है अपने बॉडी की, वो पिट्यूटरी ग्लैंड माना जाता है। तो जो ये ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का एक यूनिट फंक्शन भी कहा जाता है उसको। तो ग्लैंड क्या करता है, एक ऑर्गन है, ग्लैंड को हम ऑर्गन भी बोलते हैं,
ग्लैंड क्या है, ऑर्गन है बॉडी का जो कि फंक्शन करता है बॉडी मैकेनिज्म मैकेनिज्म और बॉडी बॉडी के मैकेनिज्म को फंक्शनिंग करता है बॉडी के सब्सटेंस सब्सटेंस को प्रॉपर रेगुलेशन करता है। तो ये सारे जो खासियत है वो ग्लैंड के बारे में है। और सबसे बड़ी ग्लैंड है, बहुत सारी टाइप ऑफ ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड इस ग्लैंड्स के बारे में दो टाइप की ग्लैंड आती है, एक है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और सेकंड है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन बाहर के, एक्सोक्राइन इंटरनल ऑर्गन इंटरनल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है, एंडोक्राइन बाहर के बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। और उसके बाद हम देखने वाले हैं लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन जो है वो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोन जिसको हम कहा जाता है वो है फीमर। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो लार्जेस्ट बोन कौन सा है? फीमर। फीमर जो है वो बोथ थाई में हमको मिलता है। ये जो है लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। इसका कनेक्शन है नी से, जो फीमर है वो नी से कनेक्टेड है। और नी जो है वो बॉडी बैलेंसिंग बैलेंसिंग करता है, बॉडी बैलेंसिंग करता है नी। तो फीमर बोन जो है वो किससे कनेक्टेड है? नी से। और नी क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग करता है। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हमको ये क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो फीमर आपको हमेशा फीमर ही राइट करना है। और ये क्या होता है? फीमर टू बोन्स होते हैं, टू बोन्स, क्योंकि टू थाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है लार्जेस्ट बोन फीमर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये है आईएमपी। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो कान में पाया जाता है। स्टेपिस स्टेपिस जो है वो ईयर में दिखता है आपको। तो ये स्टेपिस सबसे स्मॉल बोन है। स्टेपिस इनर ईयर में रहता है, इनर ईयर में आपको स्टेपिस देखने मिलेगा। और स्टेपिस क्या है? मूवेबल बोन है, मूवेबल बोन प्रेजेंट इन ईयर, बोथ ईयर। ये क्या होता है? दोनों कानों में प्रेजेंट होता है स्टेपिस। और ये स्टेपिस क्या है? मूवेबल बोन है प्रेजेंट इन बोथ ईयर। स्टेपिस कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेपिस बोन कहाँ प्रेजेंट है और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो वो है स्टेपिस बोन। तो आपको ये भी क्वेश्चन हमेशा देखने मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम में इसका आंसर स्टेटिस किया है, मेरे को मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखाई भी देगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एंड नर्सिंग के एग्जाम में। तो ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा वो 500 ml रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा, और ये वैल्यू कन्फर्म वैल्यू है 500 ml, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकते। आपको यही क्वेश्चन आएगा और यही आपको आंसर टिक करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैंने यही चुन के जो क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आए हुए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। हमेशा आपको अगर टाइडल वॉल्यूम पूछा जाए तो आपको 500 ml ही टिक करना है। और ये टाइडल वॉल्यूम आपको हमेशा 500 ml ही नॉर्मल बॉडी में दिखता है, नॉर्मल पर्सन में दिखता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक एग्जाम में दिखाई देगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें
आपको बहुत वेरिएशन के टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटल हाउ मेनी टोटल बॉडी वर्क वाटर में हाउ मेनी वाटर इन अवर टोटल बॉडी, तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट में आपके बॉडी में टोटल बॉडी वाटर रह सकता है। तो हमारे बॉडी में 60% ऑफ बॉडी वेट हमारा टोटल बॉडी वाटर रहता है, बॉडी में 60% ऑफ बॉडी वेट अपने को वाटर मिलता है। जैसे हम रोज का खाना खाते हैं उसके साथ भी पानी लिया जाता है, लिक्विड खाते हैं, सब्सटेंस खाते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो उसमें टोटल बॉडी अपने बॉडी में पूरा वाटर जो है ब्लड्स में, वेसल्स में, बोन्स में, उसके साथ साथ यूरिन में, स्टूल में, सारी चीज़ों में हमको 60% ऑफ बॉडी वेट हमको वाटर का मिलता है अपने बॉडी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है DMER DHS एग्जाम में, ये भी पूछा गया है। उसके साथ साथ चलो हम देखते हैं, इधर आते हैं, अभी हम थोड़ा इम्पोर्टेंट की तरफ और बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बताने वाली है प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में, तो चलो देखते हैं। फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल जो है, जो हमारा ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, गोल्डी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, DNA है, RNA है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी सेल वॉल है। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर हमको ये राइबोसोम्स मिलते हैं, जो कि हमको क्या कहते हैं, हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों प्रोटीन कहा फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम्स है ये जो है प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्ड के लिए। बॉडी में जो है बॉडी बिल्ड कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन हर चीज में हमको यूज करता है, मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन यूज होता है उसमें मसल्स के लिए। अगर इंजुरी है, इंजुरी रिपेयरिंग है, तो प्रोटीन यूज होता है। तो बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मायने में लगता है बॉडी बिल्डअप के लिए और डेली एनर्जी के लिए। तो ये जो प्रोटीन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल के अंदर रहते हैं। ये है राइबोसोम्स, ये है राइबोसोम्स जो कि सेल के अंदर आपको पाए जाते हैं, और इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको DMER DHS बहुत बार ये दो एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लेना दोस्तों, ये एग्जाम में आता ही आता है, और बहुत और CHO एग्जाम में भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी स्टोर करता है अपने सेल में, जितनी एनर्जी हमको चाहिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टोर करके रखते हैं, जब हमको यूटिलाइज करना होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देता है, और सेल पूरी अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसे प्रोवाइड करता है और अपनी बॉडी को एनर्जी देता है, और बॉडी हमारी डेली रूटीन में वर्क करती है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है सेल की, वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ये तो आपको रट्टा ही कर लेना है कि पीएच ऑफ ब्लड हमारा 7.35 टू 7.45 चाहिए। 7.35 अगर रहा पीएच, तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वैल्यू मेंटेन है, या फिर वेरिएशन आपको जो भी है ब्लड में आपको देखने मिलेंगे, ये एसिडिक नेचर है ब्लड का या बेसिक नेचर है, इससे आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर ये एसिडिक नेचर है तो ये वैल्यूज जो है वो कम हो जाएंगी, बेसिक नेचर है तो ये वैल्यू जो है बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज क्रैनियल नर्व। लार्ज क्रैनियल नर्व जो है वो हमको 12 क्रैनियल नर्व देखने के लिए मिलते हैं। 10 क्रैनियल नर्व है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो कि देखने के लिए मिलते हैं। क्रैनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो कि अपने को नर्व सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है ह्यूमन बॉडी को।
ह्यूमन बॉडी को नर्व सप्लाई करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो सबसे ज़्यादा ये नर्व क्रैनियल नर्व में जो हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा है वो है लार्जेस्ट नर्व क्रैनियल नर्व, तो लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व ट्राइजिमिनल है। लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व जो है वो ट्राइजिमिनल नर्व है जो कि हमको देखने मिलती है। तो दोस्तों ये है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से अगर आपको स्पेलिंग या फिर कोई भी डिफॉल्ट है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है बताया है वही मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हो और अच्छी तरीके से समझ सकते हो।